दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ हों, घर के अंदर हों। दोस्तों बाहर मत निकलिए और जिसके विरुद्ध हम लड़ाई कर रहे हैं इसमें हमें विजयी होके लौटना है। तो दोस्तों बी सेफ कीप सेफ। Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है ग्लोबली 3 स्मार्टफोन, मी 10, मी 10 प्रो और मी 10 लाइट। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मी 10 लाइट, जो भारत में रीब्रांड होके मी ए 4 के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं मी ए 4 के बारे में, कौन से प्राइस में ये भारत में लॉन्च हो सकता है, कब तक ये भारत में आएगा और कौन सी स्पेक्स और फीचर्स के साथ आएगा। मेरा नाम है सुमन, तो चलून करबो ना आर देरी, शुरू करी तातारी। दोस्तों एसुस ने भेजा है ज़ेनबुक फ्लिप, ये वाला लैपटॉप काफ़ी दमदार है, काफ़ी काम का भी है, इसका रिव्यू आ जाएगा मेरे चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं मी ए 4 के बारे में। दोस्तों ये जो मी 10 लाइट है ये लॉन्च हो गया है ग्लोबली और इसका प्राइस भी निकल के आया है। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं कि जो मी सीरीज़ के अंदर जो भी फ़ोन ग्लोबली लॉन्च होते हैं वो भारत में रीब्रांड करके आता है मी ए सीरीज़ के नाम से। इससे पहले चाहे वो मी ए 1 क्यों ना हो, ए 2 क्यों ना हो या ए 3, आप जानते हो ए सीरीज़ काफ़ी अच्छा माना जाता है दो रीज़न के लिए। एक तो इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, यानी 2 साल के लिए आपको अपडेट मिलता है, एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। और दूसरा इसका कैमरा काफ़ी धासु लगता है और काफ़ी धासु होता भी है, पर A3 थोड़ा सा एक्सेप्शन था, ये काफ़ी अच्छे से बिका था पर प्रॉब्लम था दो, एक तो इसके HD+ डिस्प्ले और दूसरा इसका एंड्रॉयड 10 का अपडेट अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है और 4 बार के लिए ये स्टॉप किया गया था। चलिए बात करते हैं अब मी ए 4 के बारे में। दोस्तों पहले इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको इस बार भी पीछे में ग्लास मिलेगा, फास्ट ग्लास, और इसमें आपको ग्रेडियंट कलर्स मिलेगा, काफी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आएगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। और इस बार भी आपको व्हाइट कलर में, ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा लग रहा है। और इसका जो कैमरा का मॉड्यूल है ना वो काफ़ी धांसू लग रहा है, आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s या तो M31 का ये याद ज़रूर दिलाएगा। 4 कैमरा रहेगा और मी का लोगो, साथ में यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 1 का लोगो भी मिल जाएगा। अब इसमें आपको काफ़ी अच्छा अच्छा कलर्स के साथ काफ़ी फिनिशिंग भी अच्छा मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर डिस्प्ले की। तो 6.57 का HD+ ना इस बार Xiaomi ने सुन लिया है, फुल HD+ डिस्प्ले आपको मिलेगा, वही वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, सुपर एमोलेड पैनल भी इसमें दिया गया है, साथ में 392 PPI यानी पर पिक्सल डेंसिटी आपको इस पर मिल जाएगा। साथ में चेन इसका काफी कम है, बेजल्स भी काफी कम है और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है, यानी नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम भी आप काफी अच्छे से देख सकते हो। तो A3 से A4 काफी अच्छा निकल के आया है। बात करते हैं अब यहां पे नोटिफिकेशन एंड डिलाइट, वो भी होगा और आयर ब्लास्टर का सपोर्ट भी होगा, 3.5mm जैक वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा है ये जो फीचर्स हम सभी चाहते हैं। रैम एंड रोम, तो इस बार इसमें आपको UFS 2.1 स्टोरेज स्पीड के साथ आपको LPDDR4X रैम भी मिल जाएगा और इसमें आपको 2 सिम का ऑप्शन भी मिलेगा और आप माइक्रो SD कार्ड का उपयोग भी कर सकते हो। सुनने में आ रहा है 6GB और 128GB रैम एंड रोम वेरियंट के साथ आएगा, 8GB और 128GB रैम एंड रोम वेरियंट के साथ आएगा। मुझे जितना लगता है भैया 6GB 64GB वेरियंट भी भारत में आ सकता है अगर ये ही फोन A4 के नाम से आता है, क्योंकि आप जानते हो ए सीरीज का प्राइस काफी कम रहता है और मिड रेंज प्राइस में ही आता है। अभी चलिए बात करते हैं यहां पे जो डुअल 4G वोल्टी वो तो होगा और कॉलिंग ओवर वाईफाई के साथ आपको यहां पे वाईफाई शेयरिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। पर जो मी 10 लाइट चाइना में लॉन्च हुआ है वो तो 5G के साथ आया है, पर जितना मुझे लग रहा है भारत में ये 4G के साथ ही आएगा। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो जो ग्लोबली मी 10 लाइट इसमें आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिल गया है, जो 7 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पे आधारित है, एड्रिनो 620 का GPU मिलेगा और ये गेमिंग के लिए काफी अच्छा है, 5G एनेबल प्रोसेसर है। पर ये प्रोसेसर रिब्रांड होके आएगा भारत में, शायद इस बार आपको 730G या 720G ये प्रोसेसर आपको मी ए 4 में देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि अगर वो प्रोसेसर आता है तो प्राइस काफी ज्यादा होगा और मी ए सीरीज कभी भी उतने प्राइस में लॉन्च नहीं हुआ है, तो गेमिंग के लिए काफी अच्छा होगा ये आप मान के चलिए। कंपेयर टू मी ए थ्री ये काफी अच्छा होगा। बात करते हैं अब यहां पे कैमरास की, तो पीछे में आपको चार कैमरास मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा वो 48 मेगापिक्सल का एक 1.8 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस f2.2 अपर्चर के साथ, 5 मेगापिक्सल का एक सुपर मैक्रो लेंस f2.4 अपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर f2.4 अपर्चर के साथ। सामने में आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया जाएगा, A3 में हमें मिला था 32 मेगापिक्सल का कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, EIS, नाइट मोड, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सुपर स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स। 4160 एमएच का बैटरी भी दिया गया है, 20 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलेगा, वो भी बॉक्स में USB टाइप सी के साथ, सभी सेंसर्स दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, ये सब कुछ आपको मिलेगा और इस पर आपको साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छा मिलने वाला है। MIUI 11 पे ये रन कर रहा है ग्लोबल वर्जन एंड्रॉइड 10 के साथ, पर भारत में जो लॉन्च होगा उसमें आपको एंड्रॉइड 10 के साथ एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा, यानी 2 साल के लिए अपडेट मिल जाएगा। और Xiaomi से ये गुजारिश है, भाई MIUI 3 के साथ जो कर रहे हो वो MIUI 4 के साथ मत करो। अब कितने प्राइस में ये लॉन्च होगा, देखिए MIUI 10 Lite जो ग्लोबली लॉन्च हुआ है उसका प्राइस निकल के आया है 29,000 के आसपास, अभी इस प्राइस रेंज में तो कोई नहीं लेना पसंद करेगा भाई भारत में। ये रिब्रांड होके आएगा और इसका प्राइस अंडर 20,000 में ही रहेगा, मुझे लगता है 6GB 64GB अगर ये वेरिएंट आता है तो। अब ये कब आएगा, देखिए जो सिचुएशन चल रहा है इसको अभी स्टेबल होना चाहिए और एक डेढ़ महीने के अंदर हमें ये देखने को मिल सकता है भारत में। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आया है और एक लाइक सिर्फ चाहता हूं, लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक मनोबल को बढ़ाता है।